तीन साधु तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं, हमारे आहार का प्रबंध करो दाता। पधारिए साधु महाराज, पहले फल ग्रहण कीजिए, फिर मैं आपको भोजन कराती हूँ। नहीं नहीं देवी, हम ऐसा कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, इसका क्या अर्थ है? इस आश्रम में पधारने वाले हर अतिथि साधु को मैं इसी प्रकार भिक्षा देती हूँ। परंतु देवी, हम कोई ऐसे साधु नहीं हैं। हम कुछ निश्चय करके आए हैं और जब तक हमारा निश्चय पूर्ण नहीं हो जाता, हम भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। आप तो महान सती हैं। किसी भी पर पुरुष को देखकर आपके मन में विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता, इसीलिए आप कहिए, आप कहते कहते रुक क्यों गए? ये सत्य है कि किसी भी पर पुरुष का दर्शन मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। बताइए मुझे क्या करना होगा? आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दीजिए, तभी हम कुछ ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम लौट जाएंगे। इस आश्रम से कोई भी अतिथि साधु भिक्षा ग्रहण किए बिना नहीं लौटा है, मैं आपको भी नहीं लौटने दूंगी। अर्थात आप बिना किसी संकोच के संपूर्ण निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देंगी? अवश्य दूंगी। आप तीनों महान साधु धर्म के नियमों से परिचित हैं। कोई भी पतिव्रता स्त्री या तो अपने पति के सामने निर्वस्त्र हो सकती है या फिर अपने बालक के सामने जिसे वो अपना दूध पिलाती है। मैं सत्य कह रही हूँ ना साधु महाराज? हाँ हाँ, आप सत्य कह रही हैं। तो फिर भिक्षा ग्रहण करने से पहले मुझे निर्वस्त्र देखने के लिए आप तीनों मेरे बालक बन जाइए। आपकी माता बनकर मुझे सुख मिलेगा। बालकों, रोना बंद करो, मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम तीनों को बारी बारी दूध पिलाऊंगी। आज्ञा माते। महादेव अभी तक नहीं लौटे, बड़ी देर कर दी उन्होंने। महादेव की लीला तो महादेव ही जाने। नारायण नारायण। प्रणाम माता, आपने मेरा स्मरण किया? हाँ नारद, मैं तुम्हारे परम पिता ब्रह्मदेव की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उन्हें यहाँ से गए बहुत समय बीत गया है। माता, आप उनके शीघ्र आने की आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि वे तो अभी दूध मुहे बच्चे हैं। अभी तो वो घुटनों पर चलेंगे, फिर कुछ समय बाद दौड़ने लगेंगे, अपने माता पिता को अपनी बाल लीलाएं दिखाएंगे, फिर कुछ समय बाद और बड़े होंगे तब यहाँ आएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो नारद, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं परमपिता ब्रह्मदेव की ही बात कर रहा हूँ माता। महान सती
देवी अनुसुईया के सतीत्व के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बन चुके हैं बालक? और रोते रोते अपनी माता के आश्रम में लोरियां सुन रहे हैं। क्या तुम सत्य कह रहे हो नारद? मैं कभी असत्य नहीं कहता माता, जो अटल सत्य है वही कहता हूँ। अच्छा अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम पार्वती जी। प्रणाम लक्ष्मी देवी। क्या शिव शंकर जी यहाँ नहीं है? देवी शिव शंकर को यहाँ से गए हुए एक लंबा समय बीत चुका है, मैं बड़ी चिंतित हो रही हूँ। मैं महादेव जी से विनती करने आई थी कि वे भगवान विष्णु का पता लगाएं। पार्वती जी कहीं वे भी सती अनुसुईया की परीक्षा लेने तो नहीं गए? क्या क्या आपने भी भगवान विष्णु को सती अनुसुईया की परीक्षा लेने भेजा है? हाँ, जब नारद ने अनुसुईया की प्रशंसा के पुल बांध दिए तो मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने भी वही भूल की है लक्ष्मी देवी, हमारी भूल का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ देवी ब्रह्माणी? अभी अभी नारद बता गए हैं कि अनुसुईया ने अपने सतीत्व के तेज से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को दूध मुहे बालक बनाकर पालने में सुला दिया है। हे भगवान! अब समझ में आई ये सब नारद की चाल थी, उसकी बातों में हम तीनों फंस गईं। देवी अनुसुईया सचमुच महान सती है। अपने पतियों को मूल रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा। अब सोचने का समय नहीं है, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। देवी अनुसुईया, ये बालक किसके हैं? आपके और हमारे, ये तीनों मेरे सतीत्व की परीक्षा लेने आए थे। ये तीन बालक तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा लेने आए थे? स्वामी ये तीनों बालक नहीं, ये तो देवों के देव ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। इन्होंने चाहा तो मैंने इन्हें बालक बनाकर दूध पिला दिया, अब इन्हें फिर भूख लगी है इसलिए रो रहे हैं। माता अनुसुईया, मैं लक्ष्मी हूँ। अपने पति को आपके सतीत्व की परीक्षा लेने भेजकर मैंने भूल की माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता मैं पार्वती हूँ, अभिमान में मैं भूल गई थी कि सती का पद देवी देवताओं के पद से ऊंचा होता है। मैं ब्रह्माणी हूँ देवी, नारद ने मेरी बुद्धि भ्रमित कर दी थी, हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे पति को मूल रूप में लौटा दीजिए। देवियों आप तो महादेवियां हैं, मेरे पैरों में गिरकर आप मुझे लज्जित कर रही हैं। स्वामी हमारे आश्रम का आंगन इन नन्हे नन्हे बालकों की किलकारियों से गूंज रहा है, अब हम इन्हें अपने से दूर कैसे कर सकते हैं? ऋषिवर यदि ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बने यहाँ रोते रहे तो सृष्टि का सारा कार्य रुक जाएगा। देवी ब्रह्मा की रचना विष्णु का पालन और शिव का कल्याण कार्य रुक गया तो सृष्टि में प्रलय मच जाएगा। अर्षि आप देवी से कहें हमें क्षमा करें। सृष्टि की रक्षा के लिए इन तीनों को पूर्ववत बनाइए सती अनुसुईया। मैं भी एक स्त्री हूँ, स्त्री का कष्ट समझ सकती हूँ। मैं आपकी बात मान लूंगी परंतु आपको भी मेरी एक विनती स्वीकार करनी होगी। हम तीनों इसके लिए तैयार हैं। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों अपना अपना एक अंश देकर मेरे पुत्र के रूप में मेरे पास रहे। अब ये तीनों मेरे पुत्र बन चुके हैं और मैं इनकी माता हूँ। भला एक माता अपने पुत्रों से कभी दूर रह सकती है? स्वामी मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ देवियों अनुसुईया ने ठीक ही कहा है,
अब आप लोगों को भी इनकी बात मान लेनी चाहिए। परंतु इसका निर्णय तो हमारे स्वामी ही ले सकते हैं, हम कैसे कहें? पहले आप मान जाइए, आपके स्वामियों को तो मैं मना लूंगी। जैसी आपकी इच्छा। मेरे प्रिय बालकों, अब बड़े हो जाइए और माता पिता की आज्ञा स्वीकार कीजिए। प्रणाम माता पिता, आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है। हम अत्रि अनुसुया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में तीन मुखी बनकर सदा आपके साथ रहेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर हमारे पुत्र दत्तात्रेय बने। ऋषिवर, अद्भुत है दत्तात्रेय की जन्म की कथा। ये कथा सिखाती है कि किसी भी स्त्री को अपनी महानता का अभिमान नहीं करना चाहिए। ऋषिवर, दत्तात्रेय की कथा सुनकर हम धन्य हुए।